विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी शामिल हुए, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे हैं। इसे मायावती के बाद युवा नेतृत्व की आमद के रूप में देखा जा रहा है। वहीं काफी दिनों के बाद बहुजन समाज पार्टी जीवित नजर आई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी का राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन। राजभवन के घेराव को निकले बसपा कार्यकर्ता। बीएसपी में दिखा पीढ़ी परिवर्तन का दौर। युवा नेता आकाश आनंद हुए प्रदर्शन में शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं आनंद। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले अपनी आमद दे दी, जहां पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया गया। राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान से बसपा कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने निकले। सरकार की गंदी है, हम कहेंगे बहुजन समाज पार्टी इस प्रदर्शन में सबसे खास बात यह रही कि बसपा कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। देखिए, कांग्रेस बीजेपी का तो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को मामा मानते हैं। हम तो सिर्फ एक ही मामा जानते हैं, दांते भील मामा जी, वही यहाँ के समाज के, इस प्रदेश के सही मामा है, तो हम तो उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं को जानते हैं। आकाश के नेतृत्व में बसपा कार्यकर्ता अम्बेडकर मैदान से राजभवन की ओर रवाना हुए, जिसमें पथरिया से विधायक रामबाई भी साथ रही। हालांकि टीटी नगर के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बसपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।